जाते वक्त क्या रूही हमारे साथ चलती है, एक बार बिजली कड़की थी, इसमें अपने घर में जाके दरवाजे बंद कर लिया, खिड़की बंद कर लिया, फिर भी बिजली कड़क रही थी, क्या ऐसा होता है? मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इनका कुछ सवाल इस तरह है कि रूहों और मौसम से कुछ रिलेशन ऐसा है क्या? देखिए, ये एक गलत किस्म का खौफ है और गलत किस्म का एक वहम है कि कायनात चलाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, पूरे आलमों को चलाने वाला, तसर्रुफ, हवाओं का बदलना, मौसमों का बदलना, कोई भी चीज़ जो कायनात में होती है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी नहीं हिलता जब तक कि अल्लाह सुबहान व तआला का चाहे ना, हुक्म ना। तो मनल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह सुबहान व तआला के हुक्म के बगैर तो किसी को किसी के लिए सिफारिश करने का भी मौका नहीं मिलता क़यामत में। यानी अल्लाह सुबहान व तआला इतने पावरफुल है, अल्लाह सुबहान व तआला का पावर बतला जा रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ये मौसम बदलने का, फलां जिन होने की वजह से शायद अचानक मौसम बदल गया हो या बिजलियाँ कड़क रही हों, तो ये जो खौफ है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि सूरह आले इमरान नंबर 3 के आयत 175 में, इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़विफ़ औलिया, शैतान ही तो है जो अपने दोस्तों को डराता है। जो शैतान का हो गया, अल्लाह का नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी करता है तो किसका हो गया? शैतान का हो गया। जो शैतान के रास्ते पर चलता है तो अब वो किसका दोस्त बन गया? शैतान का दोस्त बन गया। और शैतान का काम क्या? मानो उसको और डराना, तो जितना डराएगा उतना कब्जे में रहेगा, उसकी हुकूमत बनी रहेगी। बिल्कुल। तो डरा कर हुकूमत करना शैतान का खास हरबा है। और लेकिन डराता किसको है? वो अपने के चुंगल में फंसने वालों को, जो उनके रास्ते पे, इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़विफ़ औलिया फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो ना तो तुम उनसे मत डरो, अल्लाह ताला कह रहे मुझसे डरो। तो ये अकीदे वाला डर, ऐसा डर जो इंसान को कुछ प्रिकॉशन लेने पे, जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसका कोई रीजन नहीं है, मैं उस डर की बात कर रहा हूँ। जी माशा। लेकिन इस्लाम में अजबाब अपनाना है। अगर पता चलता है कुछ सिम्टम से कि जादू हुआ है, कुछ सिम्टम से पता चलता है कि जिन मुसलसल हमला कर रहे हैं, कुछ रूहों का जिक्र किया था। हाँ, तो रूह असल में यहाँ पर अवाम में रूह से मुराद क्या है? ये लोग जिनको भटकती रूहें नाम देते, कोई भूत परत का नाम, असल में उनको अल्फाज समझ में नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं मेरा जमीर कह रहा है। जमीर इंसान के साथ एक अच्छा करीन, करीन माने दोस्त, अच्छा करीन भी है, बुरा करीन भी है। बुरा करीन उसको बुरे ख्याल डालता, अच्छा करीन उसको अच्छे ख्याल डालता है। तो ये आदमी कहता है जमीर है, जमीर ऐसी कोई चीज नहीं। तो इसी तरह से भूत परत ऐसी कोई चीज नहीं है। ये जिन है जो इंसान को डराते हैं, ये जिन है जो इंसान को वसवसे डालते हैं, ये जो जिन है वो इंसान के अतराफ में उसको कोई ना कोई हरकतें करके बाद सताते हैं। तो वो समझते शायद वो भटकती रूहे हैं, वो भूत परेत है, ये जमीर है, ये सारे की कोई हकीकत नहीं। भूत परेत आज के बाद से यूं समझिए कि इसकी कोई हकीकत नहीं, क्लियर आप कह सकते हैं। और सारे हमारे नाज़रीन, भूत परेत का मसला हो या इसी तरीके से बदरूहें घूमने का, जो खुदकुशी करके जो रूहे भटकती, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये हम वादे तौर पर उनको कह दें। ये दरअसल जिन ही है जो अतराफ में हरकत करते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि एक मखलूक है जिन जो इस टाइप की हरकतें करती है, तो ये अननेसेसरी खौफ से तो बाहर निकल जाएंगे। अब रहा जिनको कैसे ट्रीट करना है, वो तो मैंने आपको कह दिया कि अल्लाह सुबहान व तआला की एक मखलूक है, हम भी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। यानी मेरे गुफ्तगू में नुक्ता बार बार इसलिए आएगा क्योंकि आखिरी में आके बात यही रुकेगी कि मखलूकात जब है तो खालिक से पनाह लेनी चाहिए, पहली बात। सेकेंड ये कि उस पर भरोसा करना चाहिए, तावुज उसी से, तवक्कल उसी से, और उसका बताया हुआ इलाज भी उसी से, वो है कुरान मजीद सूरह बनी इसराइल नंबर 17 के आयत नंबर 82, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, वनुनज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, हमने कुरान को शिफा के तौर पर उतारा है। तो इसमें हर किस्म की बीमारियों का इंशाल्लाह इलाज मिल जाएगा। है माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।